Friends, welcome to CR International School Online Classes. How are you, beta? I hope everyone is fine and safe at your home. Good. Today we will discuss about new chapter unit 3 method. Okay. वैसे हमारा CBSE के according 70% syllabus complete हो चुका है. But मुझे लगता है कि maths में तो सभी chapters थोड़े-थोड़े यानी basic उसको clear कर देना चाहिए. Okay. तो बेटा मैं आपका basic clear कर रही हूँ इसमें. Unit 3 method. Unit 3 method क्या होता है? हमें value निकालनी होती है. अगर हमें मोर वैल्यू पूछी गई है तो वी मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करेंगे. लेस वैल्यू, अगर कम वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड. मैंने आपको बताया भी था, ज्यादा की वैल्यू निकालनी पड़े तो मल्टीप्लाई करेंगे और एक की वैल्यू यानी कम की वैल्यू निकालनी पड़े तो डिवाइड करेंगे. तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, कई बार रिपीट कर चुकी. अब क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सिंपल है ये तो. द कॉस्ट ऑफ वन बाइसिकल इज रुपीज 1475. कॉस्ट ऑफ वन बाइसिकल, एक बाइसिकल का रेट है 1475. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 23 बाइसिकल्स. हमें कितने बाइसिकल्स की रेट फाइंड आउट करने हैं बेटा? 23. एक की वैल्यू पता है, ज्यादा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं? वेरी गुड, मल्टीप्लाई. ओके, स्टेटमेंट वही होगी हमारी. कॉस्ट ऑफ वन बाइसिकल इज इक्वल टू रुपीज 1475. कॉस्ट ऑफ 23 बाइसिकल्स इज इक्वल टू रुपीज 1475 मल्टीप्लाई बाय 23. एक की कॉस्ट पता है हमें और 23 की निकालनी है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई. 1475 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 23 से. मल्टीप्लाई सबको आती ही है, आती है ना? चलो करते हैं, स्टार्ट हो जाओ. 3 5 15, कैरी का 1. 3 7 21, 21 + 1 = 22, कैरी का 2. 3 4 12, 12 + 2 = 14, कैरी का 1. 3 1 3 + 1 = 4. 3 5 15 का 5, कैरी का 1. 3 7 21, 21 + 2 = 21 = 22, कैरी का 2. 3 4 12, 12 + 2 = 14 का 4, कैरी का 1. 3 1 3 + 1 = 4, राइट? अब 2 से करवाएंगे इसको तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 5 10, 10 की 0, कैरी का 1. 2 7 14 + 1 = 15, 15 का 5, कैरी का 1. 2 4 8 + 1 = 9, 2 1 2. 2 5 10 की 0, कैरी का 1. 2 7 14 + 1 = 15 का 5, कैरी का 1. 2 4 8 + 1 = 9, 2 1 2. अब हम इसे क्या करा देंगे? प्लस. ओके बेटा, हम क्या करा देंगे इसे? हम प्लस. 5 प्लस यानी 5 का 5, 2 + 0, 2. 4 + 5 = 9, 9 + 4 यानी 4 + 9 = 13, कैरी का 1. 2 + 1 = 3, कितना आ गया बेटा? 33,925. क्या आएगा? रुपीज 33,925. यानी 23 बाइसिकल्स कितने रेट की आएगी? 23,925. गॉट इट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, अ मैन मेक्स 87 टॉयज इन वन डे. एक आदमी जो है मेक मतलब बनाता है 87 टॉयज इन वन डे, एक दिन में, वन डे में वो 87 टॉयज बनाता है. ओके, हाउ मेनी टॉयज, बताओ वो कितने टॉयज बनाएगा? ही मेक इन 4 वीक, 4 वीक्स में यानी 4 हफ्तों में वो कितने टॉयज बनाएगा? मैंने गूगल मीट में पूछा था तो आपने कहा था मैडम 1 डे का दिया हुआ है, 4 वीक का पूछा है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नो बेटा, 4 वीक है, 4 डेज नहीं पूछा उसने कि 4 डेज में. आप अपने ऊपर लेके चलो, एक दिन में, वन डे में 2 टॉयज बनाते हो, ठीक है? तो 4 वीक में कितने बनाओगे? वन डे में 2 बनाए तो 4 वीक में कितने बनाओगे? 4 2 8 बनाओगे 4 हफ्ते में? नहीं ना, हम पहले वीक्स को डे में कन्वर्ट करेंगे. ओके बेटा, वीक्स को डे में कन्वर्ट करेंगे फिर हमें डेज निकल जाएगा. 1 डे का दिया हुआ है और जितने वीक्स में डे निकलेंगे डे, उससे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. अब आप बताओ 4 वीक में कितने डेज होते हैं? 1 वीक में 7 डेज,
यहां ब्रैकेट में लिख देती हूं मैं, 1 week इज इक्वल टू 7 days. ओके, 1 week में 7 days होते हैं, तो 4 week में कितने हुए? एक का पता है, ज्यादा का निकालना है मल्टीप्लाई, 4 7 28 days हो गए ना हमारे. तो देखो क्या लगेगी इसमें, स्टेटमेंट क्या लगेगी, अ मैन मेक ट्वाइस इन 1 day. ओके, क्या स्टेटमेंट लगेगी बेटा, अ मैन मेक्स ट्वाइस इन 1 day. 1 day में वो कितने ट्वाइस बनाता है, 87. ओके, तो अब आ मैन की जगह हम ही लिख दे बेटा, तो क्या लिखेंगे हम, ही मेक्स ट्वाइस इन 4 weeks. क्या लिखेंगे, 4 weeks. यहां ब्रैकेट में 4 × 7 = 28 days. ओके, 4 × 7 = 28, तो वो 4 weeks में कितने बनाएगा, 87 × 28. हम 87 को 28 से मल्टीप्लाई करा देंगे. 87 को 28 से मल्टीप्लाई कराया, 8 7 = 56, 56 का 6 कैरी का 5, 8 8 = 64, 64 + 5 = 69, यहाँ क्या जाएगा, 69 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 7 = 14 का 4 कैरी का 1, 2 8 = 16 + 1 = 17, प्लस 6 का 6, 9 + 4 = 13 कैरी का 1, 6 + 7 = 13 + 1 = 14 कैरी का 1, 1 + 1 = 2, कितने ट्वाइस बनाएगा वो, 2436 ट्वाइस. वो कितने बनाएगा, 2436 ट्वाइस कितने दिन में बनाएगा, 4 weeks में. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द प्राइस ऑफ 17 टेबल फैंस, जो 17 टेबल फैन है वो कितने के है, 6545. ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 table fan, हमें कितने का निकालना है, 1 table fan का. 17 का पता है, 1 का निकालना है, तो क्या करते हैं, कम की वैल्यू निकालनी है ना, लेस वैल्यू, तो क्या करेंगे, डिवाइड. फिर दोबारा क्या पूछा उसने, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 table fans, बताओ 8 table fan की कॉस्ट क्या है. बेटा वो चाहता ना तो डायरेक्ट भी दे सकता था कि 17 table fan की कॉस्ट इतनी है, तो 8 table fan की कॉस्ट कितनी होगी हमें 17, ये तो आपको भी स्टार्टिंग है तो 1 की पहले वैल्यू निकालने को बोल दिया गया है, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि 17 टेबल फैन इतने के हैं, 8 टेबल फैन के फाइंड आउट करो. तो हम में जब 17 की पता है तो हम 8 की कैसे निकाल सकते हैं, ना तो 1 की प्लेस वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं और ज्यादा की वैल्यू आप उसने ऑलरेडी दे रखी है ना, तो इसीलिए क्वेश्चन सबसे पहले जब हमें ज्यादा की दे रखी हो तो हमें 1 की वैल्यू राइट करनी होती है. तो इसके स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, द प्राइस ऑफ 17 टेबल फैंस, क्या लिखेंगे, द प्राइस, आप कॉस्ट भी लिख सकते हो, द प्राइस ऑफ 17 टेबल फैंस, 17 टेबल फैंस इज इक्वल टू ₹6545. कितने की फाइंड आउट करनी है पहले, 1 की, तो हम क्या लिख देंगे, प्राइस ऑफ 1 table fan is equal to, 1 के लिए डिवाइड करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, ₹6545 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, 1 से नहीं, 17 से हम इसकी डिवाइड करा देंगे, डिवाइड करा रही हूँ, 6545 डिवाइड बाय 17 की टेबल बोलो, 17 1 17 17 2 34 17 3 51 17 4 17 1, देखो मैं राइट कर देती हूँ थोड़ा सा, 17 1 17 17 2 बस इतनी ही सफिशियंट है हमारी टेबल. ओके, 65 से स्मॉल क्या है, 51 3 पे 51, माइनस किया तो 5 - 1 = 4, 6 - 5 = 1, ऊपर से आया 4, 144 से छोटा क्या आएगा, फिर से टेबल चाहिए,
17 वन जा 17, 17 टू जा 34, 17 थ्री जा 51, 17 फोर जा 68, 17 फाइव जा 85, 17 सिक्स जा 102, 17 सिक्स जा 102, 17 सेवन जा 119, 17 एट जा 136, ठीक है। अब 17 नाइन जा 153 एंड 17 टेन जा 170। 144 से छोटा कौन सा है? 136, 136 कब है ये? 8 जा पे, इसी से बोर हो दिया। 14 माइनस 6 8, 3 माइनस 3 0, 1 2 माइनस 1 0, ऊपर से आया 5, 85 ये रहा। कब जाएगा ये? 5 जा पे 85। ओके, कितना आंसर आ गया? 385। क्या आया बेटा हमारा? 385। तो हमारी वन टेबल की कॉस्ट क्या आई? रुपीज 385। हमारी वन टेबल की कॉस्ट आ गई रुपीज 385। अब वो क्वेश्चन में क्या कहते हैं? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक टेबल? हमें वन टेबल का रेट मालूम है, कितना है? 385। वन कॉस्ट ऑफ यानी वन की, और निकालनी कितनी है? कॉस्ट ऑफ एट की। तो हम इसी के साथ ही लिख दें, प्राइस ऑफ लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ कुछ भी लिख सकते हो। अगर यहाँ कॉस्ट ऑफ है तो कॉस्ट ऑफ लिख दो, अदरवाइज आप प्राइस ऑफ भी लिख सकते हो। ओके, कॉस्ट ऑफ कितने टेबल फैन की पूछी है? एट टेबल फैंस, एट टेबल फैंस इज इक्वल टू वन का पता है कितना है? 385 मल्टीप्लाई एट। ओके, मल्टीप्लाई एट, अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 385 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 जा 14, 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 68, कैरी का 6, 8 3 जा 24, 24 प्लस 6 30। तो हमारी 8 टेबल का रेट क्या आया? 3080 रुपीस। क्या आया बेटा? 3080 रुपीस, ये हमारा 8 टेबल का रेट आया। ठीक है बेटा, मेरी बात सुनो, 17 टेबल के रेट दिए हुए हैं, वन का निकालना है तो डिवाइड कर दिया, जो आंसर आया वो वन के टेबल का है ना, वन टेबल फैन का आया, तो हम एट का इजीली निकाल देंगे। फिर हम क्या कर देंगे? एट पे, इसमें डबल स्टेटमेंट है। ओके बेटा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।